हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम निकल रहे हैं बलुआ घाट के लिए। मौसम बहुत अच्छा है, रात में बारिश हुई थी, तो चलिए चलते हैं। तो सुबह सुबह हम अपनी पलटन के साथ तैयार हैं, हम निकल चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सब बहुत मस्ती कर रहे हैं, सब अपनी ही धुन में चले पड़े हैं। और यहाँ पर हम अब पहुँच चुके हैं। आप व्यू देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और इसी बीच हम सब बच्चों को ढूंढते हुए, क्योंकि अपनी पलटन में बहुत सारे बच्चे भी थे और बच्चे इधर उधर घूम रहे थे और आगे निकल गए थे क्योंकि पानी बहुत तेज़ था, तो बच्चों को हमें साथ में लेके चलना था लेकिन वो मान नहीं रहे थे, भाग रहे थे। तो अभी हम बच्चों को पकड़ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अंदर की ओर। आप यहाँ पर देख सकते हो इतना सुंदर पानी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी नहाने की, क्योंकि हम लोग ने रात में प्लान किया था सुबह जाएंगे और खूब नहाएंगे, मस्ती करेंगे। अभी यहाँ पर आप देखो कितना खूबसूरत ये सारे व्यूज़ लग रहे हैं। हम नीचे की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब अपने ही पलटन के हैं, यही इधर उधर भाग रहे थे, जो कि हम लोगों को काफ़ी परेशान भी किए। अब बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अभी हम नीचे पानी की ओर चलेंगे। ये देखो ये छोटी वाली सिस्टर, ये कुछ ज़्यादा ही परेशान करती है हम लोगों को। और साथ में इधर आप देखो यहाँ पर कितना यहाँ पर भीड़ है, सब के सब सुबह सुबह नहाने आए हैं। हालांकि सुबह 5 ही बज रहे थे, 5 बजे हम लोग घर से निकले थे और 5:30 तक हम लगभग पहुँच चुके थे, 5:30 से पहले ही पहुँचे थे आई थिंक। तो यहाँ पर आप देखो काफ़ी सारे लोग नहा, हम भी नहाएंगे अभी, लेकिन अपनी पलटन को बात करने से टाइम मिल जाता है ना, क्योंकि अभी सिर्फ अभी बातें चल रही हैं और इधर इधर सब लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं और अपनी वीडियोस बना रहे हैं। अभी उसी से सबको फुर्सत नहीं है, जब ये सारी फुर्सत मिल जाएगी तब हम जाएंगे नहाने। तब तक आप इस खूबसूरत व्यू को देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर। आप बताना आप में से कौन कौन से लोग प्रयागराज से हैं, और अगर आप प्रयागराज से नहीं हो, बाहर से हो, तो आप लोग कितनी बार बलुआ घाट गए हो, प्रयागराज आए हो। ये देखो पानी बहुत अच्छा है, पानी में मस्ती चल रही है सबकी, ये बच्चा पार्टी। और यहाँ पर मैं अपने ही धुन में मस्ती करते हुए, आपको देखो अपनी ही धुन में दीवानी होते हुए मैं घूम रही हूँ। और यहाँ अब हम नहा चुके हैं, बेबी चेंज कर लिया है और अब हम निकलेंगे अरैल के लिए, क्योंकि अब थोड़ी मस्ती तो अरैल में भी करने का मूड बन गया। अचानक से हम लोग प्लान में था अरैल जाने का, यही बन चुका है प्लान, यहाँ से अरैल चलेंगे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। अभी हम यहाँ पर बाहर निकले हैं, यहाँ पर मंदिर है काफ़ी, तो वहाँ पर हम दर्शन किए। यहाँ दर्शन करने के बाद अब काफ़ी सारे लोग थे, तो यहाँ पर हम लोग ऑटो का वेट कर रहे हैं कि ऑटो मिल जाए। काफ़ी सारे लोग थे, हम 14-15 लोग गए थे, तो सब उसी में भर जाएं। फिर यहाँ से हम सब अरैल के लिए निकल रहे हैं। आप रास्ता देखो कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि मौसम सबसे बड़ी बात है, मौसम बहुत खूबसूरत था उस दिन का। और मौसम खूबसूरत होने की वजह से जो हम लोगों का पूरा प्लानिंग था, थोड़ा पिकनिक टाइप का हम लोग ने प्लान किया था, वो काफ़ी अच्छा जा रहा था। अरे पहुँचने के बाद खाएंगे पियेंगे, खाने पीने के बाद मठ मठ है वहाँ पर, मठ में जाएंगे, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे। उसके बाद से नीचे अगर टाइम मिला तो एक बार फिर से नहाना हो जाएगा। अभी यहाँ पर रोड पर तफरी करते हुए, ये आपको जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत मस्ती की। देखो चढ़ के मैं भी बैठी हूँ, आपको नजर आ रही हूँ, ये देखिए बंदर। अभी अपने धुन में सब चलते हुए और यहाँ पे भाभी लोगों को देखो, ये सब के सब अपनी ही धुन में चल रहे हैं, किसी को किसी से मतलब अपना ग्रुप बना के घूम रहा है। आए तो साथ ही, लेकिन ग्रुप बना बना के सब घूम रहे हैं यहाँ पर। ये देखो बच्चे को, ये भी कम नहीं है। यहाँ पर भाई को देखो, जैसे लग रहा है कि कितना ज़्यादा थका हुआ है। और अब हम मठ की ओर एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर अरैल आ चुके हैं ना, यहाँ अरैल में ही मठ है, तो अभी इस मठ में हम एंट्री करेंगे। मठ काफ़ी अभी हम लोग मठ के अंदर एंट्री कर रहे हैं। और पता है यहाँ पर काफ़ी सारे मोर भी थे, बहुत
आवाज़ें भी आ रही थी मोर की, एक दो मोर को हमने देखा भी, बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे ना सुबह सुबह यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग अगर यहाँ सुबह सुबह जाओगे तो काफ़ी पीस मिलेगा, एक तरह से आपका जो माइंड है डिटॉक्स हो जाएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। ये देखो बच्चा पार्टी को, इतनी जगह खाली है लेकिन इनको बीच से जाना है। अभी यहाँ पर एक क्यूट सा डॉगी था छोटा सा, हम इसके पास जा रहे थे तो ये हमको देख के आगे चला गया। अभी आप लोगों को मठ दिखाते हैं, मठ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात यहाँ काफ़ी पीस है। यहाँ पर आने के बाद से बहुत ज़्यादा शांति लगती है। हमने यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो फूल वगैरह हैं काफ़ी सुंदर सुंदर लगे हुए थे। थोड़ा और अंदर के साइड में आप लोगों को ले चल के दिखाती हूँ कि यहाँ पर कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मठ का पूरा व्यू है काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सही है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आके टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा आपको शांति मिलेगी। अगर शहर की भीड़ भाड़ से आपको थोड़ी शांति की ज़रूरत है तो यहाँ आप आ सकते हो। तो बहुत सारा घूमने के बाद से हम बहुत थक चुके थे और अब हम जा रहे हैं वापस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।